गाइस वेलकम बैक टू नीड मेरी किरण। मैं हूं किरण और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी से बिना किसी सैलून अपॉइंटमेंट के अपने चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं ओनली इन 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं और आपका चेहरा जो है वो सोने की तरह निखर जाएगा। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखिएगा किस किस तरह से आपको ब्लीच करनी है अपने फेस पे और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ VLCC नेचुरल साइंस की इंस्टा ग्लो ऑक्सीजन ब्लीच, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लीच है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसे यूज़ कर सकें। गाइज चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब गाइज मैं अपने सबसे पहले ब्लीच करने से पहले अपने सारे हेयर्स को अच्छे से आपको टाई कर लेना है और मैं ये हेयर बैंड ले रही हूँ जो कि नॉर्मली सैलून वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपके हेयर्स को कोई भी क्रीम वगैरह इची ना बना सके, बहुत चिपचिपे हो जाते हैं जिससे आपके बेबी हेयर जो आपको परेशान ना करे। तो यहाँ पर मैंने लिया है VLCC इंस्टा ग्लो ब्लीच। मैं आपको दिखाती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है ये अंदर से बॉक्स। इसके अंदर मुझे 4 चीज़ें रिसीव हुई हैं। पहला है ये क्रीम जिसके अंदर हमको एक्टिवेटर मिला के, जो कि मेन पार्ट है ब्लीच करने का। इसके अंदर ये आता है एक्टिवेटर, ये छोटू सा डब्बा जो आपको दिख रहा होगा। फिर आती है ये मेजरिंग स्पून, इसमें बड़ा वाला पार्ट क्रीम के लिए और इसका जो छोटा वाला पार्ट है ये वाला, ये है एक्टिवेटर के लिए। इस रेशो में आपको इसके अंदर ब्लीच मिक्स करनी होगी। तो ये है स्पैचुला, ये छोटी सी स्पैचुला आपको मिल जाती है इसको मिक्स करने के लिए। गाइज मेरे पास ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है ब्लीच, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज मैं इसी बॉक्स के अंदर, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा ऑलमोस्ट ये देख रहे होंगे आप ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसी बॉक्स के अंदर एक्टिवेटर को ऐड करके इसी के अंदर ब्लीच को मिक्स करूँगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप किसी भी कांच के बर्तन में या फिर कांच की कटोरी में या प्लास्टिक की कटोरी में इसे यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि मेटल की कटोरी में या किसी भी बर्तन में आप यूज़ ना करें, अदरवाइज ये रिएक्ट कर जाएगी उसके साथ और उसके बाद आपकी स्किन का क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ओके, तो मैं एक्टिवेटर यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखाया मैंने ये मेजरिंग स्पून के जितना इसमें कहा गया है। और दूसरा मैं इस क्रीम के अंदर इसे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये स्पून के बराबर ही है, क्रीम थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं इस पूरे को यूज़ कर रही हूँ। गाइस अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इसे मिक्स करके अच्छे से। इसे आपको अच्छे से स्टिर कर लेना है, मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसके जो एक्टिवेटर के ग्रैन्यूल्स हैं वो बिल्कुल भी ना बचे। अच्छे से आपको इसे राउंड राउंड करके मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर अपने फिंगर्स की मदद से भी आप इसको अपने पूरे फेस पे और नेक एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मेक श्योर कि आप ब्लीच लगाने से पहले अगर भूल जाए तो पैच टेस्ट ज़रूर कर लें अपने नेक एरिया पे। 2 मिनट के लिए वेट करें, अगर आपको थोड़ी भी इरिटेशन हो रही है तो आप इसको हटा दें, वॉश कर दें तुरंत। थोड़ी बहुत इरिटेशन तो होती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही आपसे बेयर नहीं हो रही तो आप इसे वॉश कर दें, यूज़ ना करें। पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके फेस की बात है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ आपके कि आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, उसके बाद ही अपने फेस पे पूरी तरह से ब्लीच अप्लाई करें। मेरी आंखों में थोड़ी बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि मैं 3-4 महीनों के बाद ब्लीच यूज़ कर रही हूँ, बट ये नॉर्मल है, ये थोड़ी देर रहेगी उसके बाद चली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो वो रोज़ वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा आप रोज़ वाटर ऐड कर लें जिससे कि आपकी इचनेस थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो रोज़ वाटर भी काम नहीं करेगा, आपको इसे वॉश करना ही होगा। वॉश कर दें, बिल्कुल भी वेट ना करें थोड़ा भी, वरना आपकी आईज़ को ये डैमेज कर सकती है और आपके फेस को भी ये डैमेज कर देगी, पिंपल्स निकल आएंगे आपको। तो मेक श्योर आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस किसी भी ब्लीच को अप्लाई करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑक्सीजन ब्लीच ही यूज़ करें, अगर आप गोल्ड ब्लीच भी यूज़ करते हैं तो आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान बिल्कुल आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आपका फेस आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का 100% होता है, ऑलमोस्ट 100% होता है। तो गाइज इसकी केयर आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, तो अब मैं नेक एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। गाइज थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मेरे पास बच गया था ब्लीच का, तो मैंने थोड़ा सा अपने शोल्डर्स पे भी लगा लिया हल्का सा, और इसे मैं अब 10 से 15 मिनट्स बाद वॉश कर लूँगी। ओके गाइज, तो इसे वॉश करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं एक टावल ले रही हूँ, ये छोटा सा मिनी माउस का टावल लिया है मैंने, इसको वेट कर लिया है, गीला कर लेना है आपको इसे और धीरे धीरे
अपने फेस को रब करना है, इससे धीरे धीरे इसे हटा लेना है। बिल्कुल भी हार्श नहीं होना, रगड़ना नहीं है, बहुत ही आराम से हल्के हाथों से आपको इसे वाइप आउट कर लेना है अपने फेस से। और आप देख पा रहे होंगे कि इसे यूज़ करने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा बूस्ट हो गई है, स्किन का ग्लो, मेरे चेहरे पे ग्लो कितना ज़्यादा आ गया है। पहले मेरा फेस बहुत डल था, शायद आप कैमरे में उतना कैच नहीं कर पा रहे हो, बट रियल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन रेडिएंट लग रही है और बहुत ज़्यादा यंग और फ्रेश लग रही है एकदम। ब्लीच यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है ऑक्सीजन ब्लीच की, आपकी स्किन एकदम फ्रेश हो जाती है। और वैसे भी समर्स का टाइम चल रहा है तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल, डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं और टैनिंग हो जाती है, तो ये आपकी स्किन सन टैन को भी ख़त्म करने में बहुत ही अच्छी साबित होती है। आपको अगर सनबर्न हुआ है, सन टैन हुई है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। ये आपको डी टैन भी कर देगी और आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारा ग्लो लेकर आएगी। गाइस ट्रस्ट मी, मैं इसे यूज़ करती हूँ और आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ट्राई इसे ज़रूर करें। और हाँ, ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने ऑलमोस्ट पूरी ब्लीच को रिमूव कर लिया है, उसके बाद आपको फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना। और गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लग रही है, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा फेस विदाउट एनी मॉइस्चराइज़र, विदाउट एनी मेकअप। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा रेडियंट ग्लो चाहिए तो आप इंस्टा ग्लो VLCC की ब्लीच को ज़रूर ट्राई करें, और ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। मेरी तरफ से इसे मिलता है एक थम्स अप और मुझे ब्लीच बहुत ज़्यादा पसंद।